लगातार चौथा मैच फाइनल बॉल तक चला जाना था। आईपीएल का सैम करन ने पूरी जान लगा दी थी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, लेकिन एंड के ऊपर जब दो बॉलों पे चार था तो राहुल त्रिवातिया ने चौका मार के मैच गुजरात को जितवा दिया। सही मैच फिनिशर है तो गुजरात ने तो मैच जीत लिया। लेकिन आज दो बड़े मैचेस, एक तरफ है आईपीएल का केकेआर वर्सेस सनराइजर हैदराबाद का, तो दूसरी तरफ मैच है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। पहला T20 मैच लाहौर के अंदर, आईपीएल बड़ा जबरदस्त चल रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की क्रिकेट दोबारा से शुरू हो रही है, काफी लंबा ब्रेक था, तो देखना यह है कि अब जिसको कहते हैं ना दोनों मैचेस में से कौन से ज्यादा हिट जाएंगे मैचेस, क्योंकि व्यूवरशिप तो डिपेंड करेगी। एक तरफ आईपीएल चली, दूसरी तरफ पाकिस्तान की सीरीज होगी, तो पाकिस्तान सीरीज की थोड़ी व्यूवरशिप को अफेक्ट तो पड़ेगा क्योंकि पूरी दुनिया की नजर आईपीएल के ऊपर होती है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या बनेगा। अगर बात करें आज के मैच की तो फिर सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड के मैच की। बाबर आजम वर्सेज टॉम लैथम के दरमियान में मुकाबला होगा। न्यूजीलैंड के जो आधे प्लेयर है T20 के वो इस वक्त आईपीएल खेल रहे हैं। केन विलियम्स तो बाहर हो चुके हैं, लेकिन बाकी जितने भी प्लेयर हैं फर्ग्यूसन, साउथी, फिन एलन, डेविन कॉनवे और भी बड़े प्लेयर्स हैं, ट्रेंट बोल्ट हो गए, सारे के सारे क्या कर रहे हैं, आईपीएल खेल रहे हैं। बाकी तो इनके प्लेयर्स बचते हैं, वो भी बुरे नहीं है, वो भी अच्छे खासे प्लेयर्स हैं, न्यूजीलैंड से काफी दफा खेल चुके हुए हैं, तो वो जिनसे कहते हैं ना फिर भी उनकी टीम ये बी टीम ही खिलाएगी और ये पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। लेकिन सवाल ये कि आज का मैच जीतेगा तो जीतेगा कौन? बाबर आजम की वापसी होगी, रिजवान की वापसी होगी, फखर जमान, हारिस और शहन शाह फिदीन सबकी वापसी टीम के अंदर होगी। इन्हीं के साथ साथ लेकिन देखना ये कि रिजवान और बाबर तो ओपनिंग करेंगे, साथ वन डाउन पे कौन सा बंदा आके बल्लेबाजी करेगा, फकर जमान या हारिस, ये देखना बाकी है। लेकिन बात करो तो आज के मैच की, नो डाउट न्यूजीलैंड अच्छी खासी टीम है, जीत कर आ रही है, श्रीलंका को उन्होंने अपने घर के अंदर हराया, लेकिन पाकिस्तान में मुकाबला टफ होगा। पाकिस्तान फेवरेट तो होगा, साफ सी बात है, लेकिन पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। हम इंग्लैंड के हाथों तो सीरीज हारे हुए, उससे पहले हम जिससे कहते हैं टेस्ट सीरीज में हारे हुए, ओडीआई सीरीज हम न्यूजीलैंड से हारे हुए, तो हम घर के अंदर हार जाते हैं। बाबर आजम में बहुत प्रेशर है, बाबर आजम को सीरीज जीतना लाजमी, अगर हम सीरीज हारेंगे तो बाबर आजम की कैप्टनशिप पे भी सवाल उठेंगे, तो देखते हैं क्या बनेगा। लेकिन जो मेरी प्रिडिक्शन है ना आज के मैच की, फर्स्ट T20 की जो प्रिडिक्शन है, लाहौर में जो पहला मैच रात को शुरू होगा, मुझे लगता है आज पाकिस्तान वन साइडेडली आराम से जीत जाएगा। जी हां, गेंद बोलता हूं, पाकिस्तान आज का मैच वन साइडेड जीतेगा। और बात करूं अगर मैं पाकिस्तानी टीम से एक्स फैक्टर्स की, तो मुझे लगता है कि बाबर आजम रन्स मारेंगे, इसी के साथ साथ रिजवान भी रन्स मारेंगे, और बॉलिंग के अंदर मुझे लगता है कि ना एहसानुल्ला और शाहिनशाह अफरीदी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग करेगा। बात करें न्यूजीलैंड के एक्स फैक्टर की, मुझे नहीं उम्मीद नहीं है न्यूजीलैंड जीतेगा, लेकिन कुछ प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस तो दिखाने, तो उनके अंदर मुझे लगता है कि डैरिल मिचेल्स हो गए, इसी के साथ साथ मैट हेनरी हो सकते हैं, एडम मिलने, ये मुझे तीन नाम लगते हैं जिसको कहते हैं ना, और साथ ईश सोदी, ये मुझे लगता है कि ना ये एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। बात करेंगे केकेआर वर्सेस सनराइजर हैदराबाद की, ईडन गार्डन के अंदर ये मैच है। सनराइजर अपना पिछला मैच फाइनली जीता है और हैरी ब्रुक्स ने ओपनिंग करी थी, लेकिन हैरी ब्रुक की परफॉर्मेंस अभी तक अच्छी नहीं है। दूसरी तरफ केकेआर की परफॉर्मेंस सुपर चल रही है, केकेआर ने पिछला मैच जब ईडन गार्डन में खेला था तो ठाकुर ने दिखाई थी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई थी, और क्या हुआ था आप सब जानते हैं कि जबरदस्त किस्म का मैच जीते थे अगेंस्ट RCB, किंग कोहली वर्सेस किंग खान के दरमियान में ये मैच था। उसके बाद रिकू सिंह ने अहमदाबाद में जाकर केकेआर को जितवाया, तो केकेआर हार नहीं रहा, तीन में से कहते दो मैचेस जीत चुका, जबरदस्त किस्म के जीता है। नीतीश राणा एज अ कैप्टन तो इतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन उनकी टीम बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है और जीत भी रही है, तो मुझे क्या लगता है मैं आपको बता देता हूं, ईडन गार्डन के अंदर आज मैच है और मुझे भी लगता है केकेआर ही आज का मैच जीतेगा। कोलकाता नाइट फेवरेट है आज के मैच के अंदर, होम ग्राउंड में अपने खेलेंगे। और बात करें प्लेयर्स की तो मुझे लगता है एक्स फैक्टर्स के अंदर साफ सी बात है, सबसे पहले तो मैं रिकू सिंह को पिक करूंगा, पांच छक्के मारे हुए, इस प्लेयर का जो कॉन्फिडेंस है वो आसमानों पे है। जेसन रॉय अगर आज खेलेंगे तो जेसन रॉय मेरा दूसरा एक्स फैक्टर होगा। इसी के साथ साथ बॉलिंग के अंदर मुझे लगता है कि आप जिसको कहते हैं ना सुनील नारायण, इनका जिसको कहते हैं ना एक्स फैक्टर साबित हो सकता है। बात करें सनराइजर हैदराबाद की तो आज मैं पिक करूंगा हैरी ब्रुक, अगर उसको खिलाया इफ ही प्लेस तो आज वो बहुत मारेगा, तो मुझे लगता है हैरी ब्रुक मुझे पिक करना चाहिए एज अ एक्स फैक्टर, शायद आज वो खेलेगा तो बड़ा मारेगा। इसी के साथ साथ एडन मार्कर में पिक करूंगा, और मुझे लगता है इनकी टीम से भुवनेश्वर कुमार जिसे कहते हैं ना एक्स फैक्टर साबित हो सकता है। तो आपने जरूर कमेंट्स के अंदर बताना है कि आपको क्या लगता है आज के दोनों मैचेस कौन जीतेगा, आईपीएल वाला मैच भी आपने बताना है और पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का आज का मैच भी जरूर आपने बताना है। इंशाल्लाह कहते हैं मैचेस के दौरान आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।